मैं हूँ इस वक्त घड़ा उड़ी नफसा नफसी के आलम में एम ए जिना रोड पे। मेरे पीछे ये खूबसूरत फिरंगियों का शाहकार के एम सी बिल्डिंग, और अब मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चले फिर। मैं इस वक्त हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे। इस जगह का नाम एम ए जिना रोड पे ये स्वामी नारायण का मंदिर है, इसके साथ है महाराज करमचंद वेजिटेरियन। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह होगी जो प्योर वेजिटेरियन है, जहाँ पे मीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज इनके रिलीजियस बिलीव्स की वजह से दे ओनली ईट वेजिटेबल्स। लेट्स ट्राई इट। ये दाल मूंग की है और ये मिक्स सब्ज़ी है, ये चने का सालन है और ये पनीर कढ़ाई है, ये है कढ़ी पकौड़े और ये है भिंडी। ये पकोड़े हैं वो आलू के कबाब हैं और यहाँ पे वेजिटेरियन बिरयानी है। ये रेस्टोरेंट महाराज करमचंद वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के नाम से लाइट हाउस के एरिया में केएमसी बिल्डिंग के सामने स्वामी नारायण टेम्पल है, वहाँ पे लोकेटेड है। ये 1960 में हमारे दादा करमचंद ने इसे स्टार्ट किया था, उन्हीं की फर्स्ट ओनर ही अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट वही है और यहाँ पे कोई अभी तक चेंज नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे टोटली प्योर वेज खाना मिलेगा। हमने इनकी थाली ऑर्डर की है, वेजिटेबल थाली, और उससे पहले ये अचार आया है। और ये क्या है बॉस? अच्छा अच्छा ओके मोहन था। ये मोनथाल जो है ये बेसिकली गुजराती मिठाई है, इसको गुजराती लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं। ये स्पेशली हम इसे अपने घर पे बेसन दूध, इसमें मलाई डलती है, खसखस डलती है, बादाम पिस्ते डलते हैं, फिर उस तरीके से हम बनाते हैं इसे। ये हमारी थाली आ गई है, लाल राटे वाली रोटी है, पापड़, कबाब, चावल, दाल, भिंडी, कढ़ी पकौड़ा और पनीर। सबसे पहले पनीर का तिया पांचा। पनीर देखें, वेरी सॉफ्ट। ये चीज़ें हमने अमूमन इंडियन मूवीज़ या इंडियन वीलॉग्स में देखे। हम ट्राई करते हैं इनकी भिंडी। राजस्थानी, गुजराती, मारवाड़ी, ये मिक्सचर है। अब कढ़ी पकौड़े पे हमला। इंटरेस्टिंग है ये इनके कबाब। अब ये खाना, हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं, हमें सब्जियाँ इतनी सब्जी में भी हम गोश्त डाल के खाते हैं, क्योंकि हम जानवर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। ये इनकी नमकीन छाछ भी है, नमकीन लस्सी, रनी है पानी जैसी, बिल्कुल वो गाढ़ी नहीं है। अच्छा, ये है वेज बिरयानी, मैंने कभी ज़िंदगी में खाई नहीं है और सुनी नहीं है, लेकिन
ये भी होता है कुछ। माइल्ड सी बिरयानी है क्योंकि बिरयानी में गोश्त एक उसके टेस्ट को इन्हांस करता है, इसमें है नहीं। इसमें आलू है लेकिन ये पुलाव भी नहीं है, ये बिरयानी ही है लेकिन थोड़ी माइल्ड। अच्छा, हर खाने का जो टेस्ट है ना, क्योंकि मेरे मारवाड़ी, गुजराती, राजस्थानी दोस्त हैं जिनके घरों पे मैंने खाना खाया, तो मेरे लिए ये कोई टेस्ट नया नहीं है क्योंकि मैंने पहले खाया हुआ है। और ये जो हमारे लोकल कराची के खाने या पंजाबी या केपी के खाने होते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है। इनका बनाने का तरीका जैसे हर कम्युनिटीज़ का होता है, इनका भी डिफरेंट है और बहुत यूनिक है। इनका नायाब पकवान भी है, तो इनके ओनर से पूछते हैं इसके बारे में डिटेल। नायाब पकवान के नाम से हमारा वेज कैटरिंग का किचन भी है, जहाँ पे हम टोटली प्योर वेज की कैटरिंग करते हैं। जैसे बर्थडे पार्टीज़ होती है, कोई रिलीजियस इवेंट्स होते हैं या फंक्शन वगैरह होते हैं, उसके लिए हम वेज कैटरिंग भी अवेलेबल है हमारे पास। ये था जी महाराज करमचंद का खाना, भिंडी, दाल, कड़ी पकोड़ा, चावल, वेज बिरयानी, पापड़। बहुत अच्छा वेजिटेरियन खाना था, बिल्कुल ऐसा था जैसे घर जैसा। सिंगल प्लेटर है 300 रुपये का, डबल है 500 रुपये का, इंक्लूडिंग मीठी लस्सी, और वो मीठा जो उन्होंने गुजराती दिया था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। अगर आप इधर से गुजर रहे हो या आप वेजिटेरियन खाना पसंद करते हो, अगर आप थोड़ा अपने पेट को जानवरों के कब्रिस्तान एक दिन के लिए नागा देना करना चाहते हो, तो दिस इज़ द राइट प्लेस टू ईट। अपना ख्याल रखिएगा, कोई रिकमेंड कर नहीं हो जगह ज़रूर बताइएगा, और कि कमेंट में किस शहर से, किस इलाके से आप देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।